चरखारी कस्बे के मोहल्ला नजरबाग निवासी एक 7 वर्षीय बच्चे का शव तालाब में उतराता मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। बताते चले कि नजरबाग निवासी गुड्डू पठान का मकान कोठी तालाब के किनारे है तथा पीछे की तरफ तालाब पर भी गेट है। रोजाना की तरह घर की महिलाएं बच्चों के स्कूल जाने के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। इसी बीच 7 वर्षीय शान पठान पीछे के दरवाजे से तालाब में गिर गया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। 8 बजे करीब जब बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हुई तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। परिवारीजन बच्चे को पड़ोस में तलाश करते रहे, लेकिन इसी बीच तालाब में बच्चे की एक चप्पल दिखाई दी, जिससे परिजनों को शक हुआ कि बच्चा तालाब में ही डूब गया तथा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही सदर चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा गोताखोर बबलू को भी बुलाया गया। काफी तलाश के बाद बच्चे का शव पानी के अंदर मिला और जैसे ही बच्चे का शव पानी में मिला परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही बच्चे का शव देख मोहल्ले के लोगों की भी आंखें नम हो गई। क्या मामला हुआ है, क्या हादसा हो गया था? अभी एक बच्चा आया था जो मृत अवस्था में आया था, वो बताते हैं कि वहाँ पे 1-2 घंटे वो तालाब में पड़ा रहा है, तो इसको डूबने के कारण इसकी मौत हो गई। महोबा से जन संदेश टाइम्स के लिए रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।